हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। और आज हम लोग देखने चल रहे हैं ज्योग्राफी का पार्ट टू, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, ज्वालामुखी क्या होता है, कैसे निकलता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, आज यही हमारा टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अगर वनडे एग्ज़ाम है आपका तो क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ये बनता कैसे, तो इम्पॉर्टेंट ये है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम, यानी कि प्लेट विवर्तन की। लेकिन आप उतना ज़्यादा डीप में मत पढ़िए, क्योंकि उतना ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। फिलहाल हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। देखिए, प्लेटें, वैसे पृथ्वी पर केवल 7 प्रकार की प्लेटें हैं, जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब एक आप बात समझिए कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगी, यानी उनमें डाइवर्जन होगा, तो उससे क्या होगा कि नीचे का जो भी मैग्मा है वो बाहर आने की कोशिश करेगा, अगर ये वाला स्पेस पाएगा तो। और यहाँ से यही मैग्मा जब बाहर निकलने लगता है तो ये गर्म होता है, चूँकि तो गर्म होकर जलता हुआ ये बाहर लावा के रूप में आ जाता है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे। क्लियर है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये। तो यही क्या कहलाता है हमारा, यही ज्वालामुखी कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर एक डिफिनेशन दी गई है, प्लेटों के विस्थापन के कारण। ठीक है, दरारों से पृथ्वी से निकलने वाला लावा क्या कहलाएगा हमारा, ज्वालामुखी कहलाएगा। यही मेन रीज़न है। देखिए यही ज्वालामुखी क्या होता है, जब आगे आकर आपका जलता हुआ आगे लावा यहाँ पर पृथ्वी पर जमता है, तो यही फिर आगे आके चट्टानों का निर्माण कर देता है। ठीक, जो चट्टाने हम लोग पढ़ चुके हैं शॉर्ट में। ओके, शॉर्ट ट्रिक इसकी हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए अब देखते हैं, अगर देखा जाए इनको तो ये जो निकलेगा पहले, तो पहले गर्म होगा, फिर ठंडा होगा, है ना, फिर वहाँ से तो चट्टाने बन गई। लेकिन ये कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो लगातार निकलते रहते हैं, यानी लवा लगातार निकलता रहता है, तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं, यानी जागृत वाला बोल देते हैं। कभी निकला, फिर निकलेगा, नहीं निकलेगा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इसमें क्या बोल देते हैं हम, डॉर्मेंट, यानी कि क्या बोलते हैं, सुसुप्त तो बोल देते हैं। और एक बार निकल गया फिर कभी नहीं निकलेगा, तो इस वाले को हम बोल देते हैं डेड वाला। ठीक है, फिलहाल आगे हम लोग को समझते हैं। देखिए पहला, देखिए सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी में आपको, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो, इसका जो क्वेश्चन बनता है वो या तो हमसे डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे मोना लोवा दे दिया, मोना लोवा लिख दिया कि मोना लोवा एक प्रकार का ज्वालामुखी है। जो कैसा ज्वालामुखी है, जागृत है, सुसुप्त है या डेड है, या पूछ लेता है कि मोना लोवा है कहाँ पे। क्लियर है, तो अब हमें देखना है, एक ट्रिक से हम लोग बना लेते हैं, मोना से कोई एस करे, तो जिसमें मोना का मतलब हो गया मोना लोआ है कहाँ, ये हवाई द्वीप है, एक द्वीप है, और ये अमेरिका में। द्वीप किसे कहते हैं भाई, जो चारों तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो। क्लियर है, तो उसे द्वीप कहते हैं, मतलब ऐसा भूमि वाला स्थान जो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसे हम द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। क्लियर है, और अगर मान लो जल है चारों तरफ से स्थल से घिरा है, तो उसे हम झील कह देते हैं, लेक कह देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरा वाला देखते हैं। इसमें जो से है, से डिनोट कर रहा है सुमेरू, और ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। दूसरा है को, जिसका मतलब यहाँ पर कोई में, को का मतलब होता है कोटापैक्सी, जो इक्वाडोर में है, और ई मतलब होता है इरेटस, जो अंटार्कटिका में है। आगे हम लोग देखते हैं ए, ए का मतलब होता है एंटना, और एंटना कहाँ पे है, इटली में। और स का मतलब हो गया यहाँ पे स्ट्रॉम्बोली, और जो कहाँ पे है, इटली में। ठीक है, इटली से दो। आइए दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। अब ये कौन सा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। देखिए एक्टिव ज्वालामुखी वो होते हैं जिसमें लगातार लावा निकल रहे, प्रसुप्त का मतलब ये हो गया जो कभी कभार निकलता है, एक बार निकला कभी निकलेगा, 2 साल, 10 साल या 20 साल, कभी भी निकल सकता है, जैसे अभी हाल ही में स्पेन में 300 साल बाद निकला है। क्लियर है, तो नॉर्वे में। ठीक, तो अभी हमें क्या देखना है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। ठीक, प्रसुप्त यानी कि डॉर्मेंट वोल्केनो, कभी कभार, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रामायण में सुना होगा कुंभकर्ण को, जो कभी कभार जगता था 6 महीने में एक बार, तो जस्ट एग्जांपल। अगर ट्रिक में हम लोग देखें तो बम फ्यूज हो गया, जिसमें बा फॉर बिसुवियस, जो कहाँ पे है, इटली में, मा फॉर मियाना, कहाँ पे है, फिलीपींस में, और फ्यूज का मतलब होता है फ्यूजियामा, जापान का। यहाँ से जापान से एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो फ्यूजियामा है, ये जापान का पवित्र पर्वत है, इसकी पूजा की जाती है जापान में। क्लियर है, कि भाई फिर से ना निकलो, है ना, एक ऐसे आइडिया हम लोग बनाएंगे। तो फ्यूजियामा किस प्रकार का आपका ज्वालामुखी है भाई, प्रसुप्त। ठीक है, प्रसुप्त यानी कि कभी कभी सोता रहता है, कभी कभी उठ जाता है।
और बाकी वेसुवियस आपसे पूछ लेगा कि वेसुवियस किस प्रकार का ज्वालामुखी है या वेसुवियस कहाँ पे है, मेना पूछ सकता है, फ्यूजियामा पूछ सकता है, क्लियर है। अब आइए हम लोग थर्ड पार्ट पे चलते हैं, शांत या मृत ज्वालामुखी। शांत या मृत ज्वालामुखी का मतलब ये हो गया कि ऐसा ज्वालामुखी जो अब कभी उद्गार नहीं होगा, मतलब उसका इरेप्शन कभी नहीं होगा, अब एक बार निकला था लेकिन अब डेड हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, अब देखिए जहाँ से ज्वालामुखी निकलते हैं इस मुख को बोलते हैं क्रेटर, ये चीज़ भी याद रखिएगा आप, क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। क्रेटर का मतलब ये क्रिएट कर रहा है। अब ये जो हमने अभी आपको एक डिफिनेशन बनाई कि ऐसा जलीय भाग जो चारों तरफ से स्थल से घिरा उसे झील बोलते हैं, तो ये एक तरह का झील है। अब ये झील कहाँ बना है, वल्केनो के बाद बना है, ठीक है। तो वल्केनो इरप्शन के बाद क्या हुआ होगा, यहाँ से मैग्मा निकला होगा और यहाँ पर जाकर जम गया होगा, अब बाद में बारिश हुई होगी और यहाँ पर आकर क्या हो गया होगा, वाटरफिल हो गया होगा। इस प्रकार जो झील बनती है उसे हम बोलते हैं क्रेटर झील। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है क्रेटर झील किसकी वजह से बनती है, तुम कहेंगे कि ज्वालामुखी के कारण बनती है, तो ये झील का ही उदाहरण है। तो यानी कि यहाँ से अब लावा निकलने की कोई संभावना नहीं है, खत्म हो गई है। तो फिलहाल इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, ट्रिक में चलते हैं हम लोग, पापा देवकी को शांत करो। तो पापा का मतलब होता है पोपा, कहाँ पे है, म्यांमार में है, और देवकी यानी कि देवबंद कहाँ पे है, ईरान, और इसमें जो की है इसका मतलब है किलीमंजारो, ये कहाँ पे है, तंजानिया में, और को मतलब होता है कोह सुल्तान, और शांत का मतलब होता है शांत ज्वालामुखी, क्लियर है। अगर हम इस तरह का आइडिया बनाए तो आराम से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, फिर हमसे अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो क्वेश्चन पूछता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के बारे में। अब देखते हैं ज्वालामुखी से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, तो इसका भी हम लोगों ने ट्रिक बना रखा है, ठीक है। देखिए सल्फर कब ना जला, तो सल्फर का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे आप SO2 कह सकते हो, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कब का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कह सकते हो आप। फिर नाइट्रोजन को N कह देते हैं आप, ठीक है, या N2 कह दीजिए आप। और जला का मतलब होता है जलवाष्प, ठीक है। तो इस तरह से भी हम एक ट्रिक बना सकते हैं कि सल्फर कम ना जला, इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जलेगा नहीं, तभी तो वल्केनो में काम चलेगा, क्लियर है, और ये जल जाता है। आगे नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण बातों में, समझते हैं कि भाई अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इन बातों को ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी, एक चीज़ और याद रखिए, सर्वाधिक ऊंचा कोटापैक्सी, ठीक है, कोटापैक्सी, ठीक। अब किस प्रकार का है ये हम आपको बता चुके हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है, ठीक है। सबसे ऊंचा तो हो गया, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, अब ऊंचाई पर स्थित दूसरा हो जाएगा, उसका नाम है ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई ऊंचा और ऊंचाई पर स्थित, अरे भाई जैसे हम लोग बचपन में देखते थे, कोई छोटा होता था तो वो क्या करता था कि मान लो चारपाई पे खड़ा हो गया, फिर कहता है कि अब बताओ कौन बड़ा है, तो उसी तरह से छोटा है लेकिन ऊंचाई पे है तो ऊंचाई वाला तो अलग ही होगा ना, तो इसी तरह से ऊंचाई वाला पूछेगा तो हम ओजस डेल सलाडो को आंसर करेंगे, जबकि सर्वाधिक ऊंचा कहेगा तो हम कहेंगे कोटापैक्सी। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय मतलब लगातार ज्वाला आपका लावा निकल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, किलामु। आगे है एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है, तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्रॉम्बोली को कहते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन बनता है, बताइएगा आप एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, एशिया का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, आप बिल्कुल आप कमेंट में कर सकते हैं। आगे सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला कौन सा महासागर है, तो हम कहेंगे प्रशांत महासागर, ऐसा महासागर है जिसमें सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर रिंग्स ऑफ फायर भी बनते हैं, ये भी आप जानिएगा। रिंग्स ऑफ फायर कौन से महासागर में बनते हैं, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है भारत में भी दो ज्वालामुखी मिलते हैं, एक है वैरन और दूसरा है नारकोंडम, ठीक है। आप अंडमान निकोबार में देखेंगे तो ये दोनों ही ज्वालामुखी आपको मिल जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बन जाता है अगर भारत के पेपर आप देने जा रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एक बार आप इसे फिर से रिवीजन करिएगा, और बहुत ही शानदार ट्रिक है और हम आशा करते हैं बहुत जल्द आपको ये याद होगा, एक बार ज़रूर देखिएगा इसे। थैंक यू वेरी मच, और जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आते हैं।